नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा लोकायुक्त 50,000 की रिश्वत लेते जिला अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा है। मामला अनूपपुर जिले का है। आरोपी अधिकारी मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड अनूपपुर में जिला अधिकारी के पद पर कार्यरत है। लोकायुक्त टीम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से वर्क ऑर्डर जारी करने के नाम पर अधिकारी ने 50,000 पैसे की डिमांड की थी, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की, जिस पर सोमवार को पुलिस ने कार्यवाही की। आरोपी अधिकारी को अनूपपुर स्थित स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन कार्यालय के कक्ष में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी कार्यवाही रीवा लोकायुक्त SP गोपाल धाकड़ के नेतृत्व में हुई। 12 सदस्यीय टीम ने कार्यवाही की है। शिकायत के बाद मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड अनूपपुर में घेराबंदी कर रिश्वत की राशि लेते जिलाधिकारी को पकड़ा गया है। के ट्रांसपोर्टर हैं मोहम्मद मसरूर हुसैन। इनका ये धान उपार्जन के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन का LRT का काम है, तो इनमें जो यहाँ पे प्रबंधक वित्त MS उपाध्याय पदस्थ हैं यहाँ पे अनूपपुर जिले में, इनके द्वारा लगातार उनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायतें बार बार आ रही हैं, तो फिर वो लोकायुक्त के शरण में आए, शिकायत की है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में टीम गठित करके कार्रवाई की गई है और आज इनको 50,000 रुपये लेकर ट्रैप किया गया है। कितनी मांग थी सर? मांग तो इनकी परसेंटेज पे रहती है, बिल जैसा निकलता परसेंटेज 10% चाहते हैं हर बार ये, और पहले कई बार इनसे